गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फ्रेजेस पढ़ते हैं। फ्रेजेस का मतलब ये होता है कि जो बहुत सारे शब्दों से बनकर कोई नया मीनिंग वाला वर्ड बनता है उसको हम लोग फ्रेजेस कहते हैं। जैसे हमें कहना है ट्रेन से तो हम लोग कहेंगे बाय ट्रेन, पैदल ऑन फुट। तो ये दो या दो से अधिक शब्दों से जो एक नया शब्द बन जाता है, एक नया मीनिंग बन जाता है, उसको हम लोग फ्रेज कहते हैं। जो बहुत सारे हो सकते हैं, नाउन फ्रेज हो सकता है, वर्बल फ्रेज हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज हो सकता है। तो ये जो फ्रेजेस है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे स्पीकिंग के लिए। तो आज कुछ गिने चुने फ्रेज लेके आया हूँ। मैं स्टूडेंट से क्वेश्चन करूँगा, हिंदी में पूछूंगा, वो उनका जवाब देंगे, और उसकी जो ग्रामर है, जो ग्रामर की जो गलतियाँ हो रही है वो भी मैं आपको समझाऊंगा। तो हम लोग चालू करते हैं फ्रेजेस। अब ये फ्रेजेस कौन से हैं, वर्बल, एडजेक्टिव या फिर नाउन, ये कन्फर्म नहीं है, केवल फ्रेजेस हैं। तो सबसे पहले क्रिश प्लीज स्टैंड अप। क्रिश, में पता है कि नाचकर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? बाय डांसिंग। अब हमें कहना है वह नाचकर कुछ कमाती है, तो हम लोग उसको कैसे बनाएंगे? शी अर्न समथिंग बाय डांसिंग। तो क्रिश ने कहा कि शी अर्न समथिंग बाय डांसिंग, तो अर्न में एस लगेगा। क्यों लगेगा? क्योंकि ही शी नेम के साथ एस लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही शी नेम के साथ एस लगता है। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, वह नाचकर कुछ कमाती, तो इन्होंने बोला कि शी अर्न समथिंग बाय डांसिंग। अगर मैं कहूँ कि तुम नाचकर कुछ कमाते हो, तुम यू अर्न समथिंग बाय डांस, तो यहाँ पर एस नहीं आएगा। और एस कौन से सब्जेक्ट के साथ नहीं आता? यू, दे, आई, रूलर्स के साथ। बिल्कुल सही है, यू अर्न समथिंग बाय डांसिंग, और शी के साथ कहा शी अर्न समथिंग बाय डांसिंग, यानी बाय डांसिंग यानी होता है नाच कर। ठीक है, प्लीज सिट डाउन। अब इसी टाइप को हम लोग एक और क्वेश्चन करते हैं, गाकर। अब हमें कहना है गाकर, तो बीबी गाकर यानी क्या होगा? बाय सिंगिंग। बाय सिंगिंग। अब मैं एक सेंटेंस कहता हूँ, क्या तुम गाकर कुछ कमाते हो? डिड यू कमाते हो, प्रेजेंट सिंपल, कमाते हो, डू यू अर्न समथिंग बाय सिंगिंग। ठीक है, बिल्कुल सही है। ओके ध्रुव, पढ़ाकर, अगर हमें पढ़ाकर कहना है तो आप कैसे बोलेंगे? बाय टीचिंग। बाय टीचिंग। और एक सेंटेंस में पूछता हूँ मैं आपको, वह पढ़ाकर कुछ कमाती थी, कौन सा टेंस है? सर ये कमाती थी, ये प्रेजेंट सिंपल थी, आ रहा है ये थी पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल होगा, कैसे बोलेंगे वो पढ़ाकर कुछ कमाती थी? शी टीच समथिंग। नहीं, कमाती थी, कमाने का सेकंड फॉर्म आया, शी अर्न्स समथिंग एंड समथिंग बाय टीचिंग। तो ये पास्ट सिंपल था, सेकंड फॉर्म लगेगा, तो हम लोग कहेंगे शी अर्न्ड समथिंग बाय टीचिंग। तो कुल मिलाकर बाय टीचिंग यानी होता है पढ़ाकर, बाय सिंगिंग यानी होता है गाकर, और बाय डांसिंग यानी होता है नाचकर। तो इसके हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं, और ये सब फ्रेजेस से किसी भी टेंस में हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है उदय, अगर हमें कहना है जल्दबाजी में, तो जल्दबाजी में यानी क्या होगा? इन हरी। तो इन हरी यानी होता है जल्दबाजी में। अब मैं इसका एक सेंटेंस पूछता हूँ, तुम्हें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। यू शुड नॉट डू एनी वर्क इन अ हरी। इन ए हरी, ए भी लगेगा। तो इन्हें हरियाणा होता है जल्दबाजी में, और हमें कहना है तुम्हें जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए, तो हम लोग कहेंगे यू शुड नॉट डू एनी वर्क इन ए हरी। ठीक है दाऊद प्लीज स्टैंड अप। इन्हें हरियाणा होता है जल्दबाजी में, वह जल्दबाजी में काम बिगाड़ता है। तो बिगाड़ना मतलब स्पॉइल। वो जल्दबाजी में काम बिगाड़ता है। ही स्पॉइल वर्क इन हरी। इन हरी। अब ही के साथ एस लगेगा क्या? यस सर, लगेगा। तो ही स्पॉइल्स। ही स्पॉइल्स। तो मैंने पूछा था वह जल्दबाजी में काम बिगाड़ता है, तो हम लोग कहेंगे ही स्पॉइल्स वर्क इन ए हरी, और ही सी नेम सिंगल में आपको एस लगाना है, ये प्रेजेंट सिंपल का रूल है। ठीक है ओके ठीक है, जल्दबाजी में। गीतांजलि प्लीज स्टैंड अप, एक सेंटेंस इजी वाला पूछता हूँ मैं जल्दबाजी में काम नहीं करूँगी। मैं जल्दबाजी में काम नहीं करूँगी। I will not do work in a hurry। ये भी कह सकते हैं, और आप लोग डू नहीं लगेंगे तो भी चलेगा, I will not work in a hurry होगा। ठीक है यस, आशा प्लीज स्टैंड अप। हाँ अब हमें कहना है बहुत जल्दबाजी में खाना बना रही थी, वो जल्दबाजी में खाना बना रही थी, इसको हम लोग कैसे बनाए? आई, पहले बताओ कौन सा टेंस? पास्ट, सॉरी, रही थी। पास्ट इज कंटीन्यूअस। आई एम वह जल्दबाजी में खाना बना रही थी, वह शी
she was cooking food in a hurry. ये past continuous था तो was verb आएगा, verb में ing लगेगा. She was cooking food in a hurry होगा. Please sit down. वैसे जल्दबाजी में को हम लोग ना in haste भी कहते हैं, in haste, और in a hurry, और hurry के साथ a लगाना है. और आपने सुना होगा हरी स्पॉइल्स करी, जल्दबाजी में काम बिगड़ता है. ठीक है, अब हमें सीमा स्टैंड अप, हमें कहना है दबी जबान में या फिर दबी आवाज में, तो क्या बोलेंगे? दबी आवाज में इन अ हस्ड वॉइस. तो उसने दबी जबान में या दबी आवाज में जवाब दिया, उसने दबी आवाज में जवाब दिया. तो मैंने पूछा था उसने जवी जवान में जवाब दिया, तो हम लोग बोलेंगे ही आंसर्ड इन ए हस्ड वॉइस या ही रिप्लाइड इन ए हस्ड वॉइस. प्लीज सिट डाउन. वो दबी जवान में कुछ बोल रहा था. ही स्पीक्ड, पहले बताओ कौन सा टेंस है. रहा था, ये पास कंटिन्यूस था. इसका फॉर्मूला क्या होगा वेदांश? फॉर्मूला सही बना रहे हो लेकिन बोल नहीं पा रहे. बोलो फॉर्मूला. सब्जेक्ट प्लस वर्ब, वाज वर्ब प्लस वर्ब में आईएनजी. हां फॉर्मूला तो सही बनाया आपने. He was speaking in something in husband. He was speaking something in a husband voice होगा. ठीक है, अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं. प्लीज स्टैंड अप. हमें कहना अंत में, अंत में यानी अंत में, एट लास्ट. वह अंत में बोला आ रहा है. कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल. पास्ट सिंपल. कौन सा फॉर्मूला? सब्जेक्ट प्लस वर्ब. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट हो. पास्ट सिंपल. सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म. ही अंत में बोला. ही स्पीक्ड, ही स्पोक्ड. स्पोक्ड नहीं होगा, ही स्पोक. ही स्पोक एट लास्ट. स्पीकर सेकंड फॉर्म स्पोक होता है, थर्ड फॉर्म स्पोकन होता है. ठीक है, अब हमें कहना है आखिरकार. शीतल, आखिरकार क्या होगा? इन अ लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन. इन द लॉन्ग रन हमें कहना है आखिरकार वह जीत गया. बताइए कौन सा टेंस? सर फ्यूचर इंडेफिनिट. आखिरी मात्रा आ रही है. जीत गया. पास्ट सिंपल. हाँ तो बोलो आखिरकार वह जीत गया. आखिरकार वह जीत गया. ही वॉन इन द लास्ट रन, इन द लॉन्ग रन. ही वॉन इन द लॉन्ग रन. ठीक है, लक्ष्य स्टैंड अप. आखिरकार अभी शीतल ने बताया इन द लॉन्ग रन होता है ना. हाँ, वह आखिरकार अंग्रेजी सीख गया. सीखने का सेकंड फॉर्म. ही लर्न का सेकंड फॉर्म बोलो. लर्नड. हाँ, इंग्लिश स्पोक इन द लॉन्ग रन. ही लर्नड इंग्लिश इन द लॉन्ग रन. ठीक है, इसके बाद में पूर्ण रूप से अगर मैं कहना राज स्टैंड अप. पूर्ण रूप से क्या होता है? पूर्ण रूप से एवरी इंच. हाँ, वह पूर्ण रूप से ईमानदार है. ही इज एवरी इंच ऑनेस्ट. ही इज एवरी इंच ऑनेस्ट. आशुतोष, मैं पूर्ण रूप से समझदार हूँ. मैं पूरे का पूरा समझदार हूँ. समझदार यानी स्मार्ट. सेंसिबल. आई एम सेंसिबल. आई एम एवरी इंच सेंसिबल. ओके, प्लीज सिट डाउन. कृष्णा, नो लॉन्गर यानी अब नहीं. नो लॉन्गर यानी होता अब नहीं. इसमें आपको नॉट नहीं लगाना है. हाँ, पहले मुझे बताओ कि बेईमान को क्या कहते हैं? बेईमान. बेईमान डिसऑनेस्ट. ऑनेस्ट बेईमान यानी डिसऑनेस्ट. वह अब बेईमान नहीं रहा, ये कहना है.
अब वह बेईमान नहीं रहा तो ही इज नो लॉन्गर बेईमान डिसऑनेस्ट। ही इज नो लॉन्गर डिसऑनेस्ट। तो नो लॉन्गर का इस्तेमाल करते समय आपको नॉट नहीं लगाना है क्योंकि इसमें नो पहले से है, ठीक है। प्लीज सिट डाउन। अब मैं इसके साथ एक वर्ब पूछता हूं, मैं वर्ब विवेक, वह अब यहां नहीं रहती है, वह अब यहां नहीं रहती है। She was not living. She is no longer. Is नहीं आएगा क्योंकि रहती है कौन सा टेंस, प्रेजेंट सिंपल है ना, इस पे इजी मार थोड़ी आएगा। She no longer lives here. She no longer lives here. वर्ब है यहां पर। प्लीज अब मैं इस स्कूल में नहीं पढ़ाता हूं। बोलो रुचि, पढ़ाने क्या कहते हैं? टीच। तो अब मैं स्कूल में नहीं पढ़ाता हूँ। I no longer teach in this school. तो ये जो सेंटेंस है ना, ये सारे हैं प्रेजेंट सिंपल के हो रहे हैं, पढ़ाता हूँ रहता हूँ, तो इसमें इजे मार नहीं लगाएंगे। तो आप बोलेंगे आई नो लॉन्गर टीच इन दिस स्कूल, और ही या शी नो लॉन्गर लिव्स हियर। और अगर हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, वर्ब की बात नहीं करेंगे, तो हमें इजे मार लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब भ्रष्ट को क्या बोलते हैं? अब कहना है कि हमारा नेता अब भ्रष्ट नहीं है। Our leader is no longer भ्रष्ट। Corrupt. Our leader is no longer corrupt. Is आएगा? आएगा, क्योंकि corrupt जो है वो verb नहीं है। Listen now. चलो एक बार और। तुम अब चालाक नहीं हो। Yes. तुम अब चालाक नहीं हो। पहले बताओ चालाक यानी clever. Verb है क्या? Sir, no sir. क्या है? Sir, adjective. तुम अब चालाक नहीं हो। You are no longer clever. हाँ. You are no longer clever. तो मुझे लगता है ये आपको क्लियर हो गया है। कोई स्टूडेंट छोटा तो बताइए, मैं उसके बाद जाता हूँ। नो स्टूडेंट इज लेफ्ट। भ्रमर था नहीं ना इतने दिन। ओके भ्रमर, हाँ कौन सा वाला बनाएंगे आप बताइए, कुछ भी जल्दबाजी में। इन्हें हरी हाँ हाँ। तो यहाँ थोड़ा करीब आ जाइए, थोड़ा सा ये माइक छोटा है, इसके डोरी छोटी है। तो जल्दबाजी में मैं जल्दबाजी में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ। आई एम नॉट प्ले क्रिकेट। खेलता हूँ। I do not play cricket. ing क्यों लगेगा? Continuous tense थोड़ी है। I don't play cricket in Ahari. I don't play cricket in Ahari. लेकिन तुम sentence भी जल्दबाजी बना रहे हो। Why are you making sentence in Ahari? Okay, please sit down. देखो मैं भ्रमर से पूछ रहा था कि मैं जल्दबाजी में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, और वो बिल्कुल जल्दबाजी में sentence बना रहे थे। I am not playing बोल रहे थे, तो वो जल्दबाजी मना रहे थे। तो आपको जब भी कोई सेंटेंस बनाना है, जब भी कुछ वाक्य बनाते हैं हम लोग, तो सबसे पहले सोचिए कि कौन सा टेंस है, और हैबिट में जब आ जाएगा तो मैं हिंदी भी नहीं सोचना पड़ेगा, वो ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लगेगा कि आईएनजी लगाना है कि नहीं लगाना है। और आईएनजी क्या है? होता हुआ काम। मैं कहूँगी मैं जल्दबाजी में क्रिकेट खेल रहा हूँ, मैं जल्दबाजी में खाना बना रहा हूँ, तब आप लोग आईएनजी लगाएंगे, आई एम कुकिंग फूड, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि मैं जल्दबाजी में क्रिकेट नहीं खेलता हूँ, तो ये प्रेजेंट सिंपल हुआ, तो आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन ए हरी, आई डू नॉट प्ले क्रिकेट इन हेस्ट। तो ये टेंसेज जो है दोस्तों, इसको हमें रटना पड़ेगा या ध्यान रखना पड़ेगा, ये मैं नहीं कहूँगा, इसके नेचर को समझना पड़ेगा कि आखिर फर्स्ट फॉर्म कब लगा रहे हैं, सेकंड फॉर्म कब लगा रहे हैं, वीन और शेल कब आ रहा है, केन कब आ रहा है, ये थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ेगा। टेंसेज का बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए, उसके बाद सारे जो फ्रेजेस हैं उसका इस्तेमाल करके हम लोग सेंटेंस का यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया आज का टॉपिक, और आपको टॉपिक आज का कैसा लगा। इस प्रकार के और भी बहुत सारे सेंटेंस आप बनाने की कोशिश कर सकते हैं, अलग अलग टेंस का यूज करते हुए सेंटेंस बनाइए। वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में लिख के बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, बहुत से लोगों को शेयर करें, और इसी प्रकार के टॉपिक के लिए आप रेनबो इंग्लिश वाले चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो डाउट है कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, उसका वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।